I am Disha. I am an English trainer. Today we are going to learn the English language. Nowadays it is very important to learn English in everybody's life. Whether it is housewife, student, working professional, the retired person, the person who wants job, the person looking for the promotion in the company, everybody needs it is a need of everybody to learn English language. You must be thinking, how soon I can learn English? मुझे तो English आता है. हम हर कोई ये सोचते हैं कि मुझे English आता है. But फिर भी हम English में नहीं बोल पाते हैं. उसका क्या कारण है? उसके क्या reasons हैं? अक्सर मैंने ये देखा है जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है इंग्लिश सीखने के लिए तो वो बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश आता है बट मैं बोल नहीं पाती हूँ या बोल नहीं पाता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए. तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे होता है कि क्या आपको ग्रामर आता है. तो दे से यस मुझे ग्रामर आता है बट क्या हमें उतना ग्रामर आता है जितना कि हमें जरूरत है इंग्लिश बोलने के लिए. वैसे ग्रामर तो पूरी लाइफ हम सीखेंगे उतना काम है बट हमें ग्रामर उतना आना चाहिए इनिशियली जितना कि इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है. नाउ आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली मैं आपको सिखाऊंगी अपने हर एक सेशन में क्या क्या टॉपिक्स कवर करूंगी जिससे आपको इंग्लिश बोलने के लिए और समझने के लिए बहुत आसानी होगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो हम टॉपिक्स क्या कवर करेंगे इसमें. ग्रामर ग्रामर आपको उतना मेरे सेशंस में सीखने को मिलेगा जितना कि आपको जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश बोलने के लिए. वोकैबुलरी नाउ वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश. हमें शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए. अगर हमारे पास शब्द नहीं है तो हम ना सेंटेंस बना पाएंगे ना हम उसको यूज कर पाएंगे ना हम कन्वर्जेशन कर पाएंगे. तो वोकैबुलरी हम सीखेंगे. वोकैबुलरी के साथ साथ हम अपने वोकैबुलरी में सिनोनिम्स सीखेंगे. सिनोनिम्स हमें बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे जब हमारे फ्लुएंसी लेवल आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आज चलिए जैसे हमें पता है एम्बैरेस्ड. व्हाट इज एम्बैरेस्ड? एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मजनक शाय. बट उसका एक सिनोनिम है अबैश्ड जो हम डेली कन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं तो हम ये भी सीखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज मदर टंग एलिमिनेशन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली मदर टंग एलिमिनेशन इज? मदर टंग एलिमिनेशन मतलब हम अलग अलग स्टेट या सिटी से हम है यहाँ पर तो हमारी अपनी एक मदर टंग एक्सेंट होता है जो हम इंग्लिश में जब हम बात करेंगे या कोई भी लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस आता है. बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर अगर हमने मदर टंग एलिमिनेट करके बात नहीं किया तो उसका उच्चार जो है प्रोनाउंसिएशन वो चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक वाक्य में शिप का प्रयोग करना है पर मुझे स और श का ज्ञान नहीं है तो मैं क्या बोलूंगी? श को स बोलूंगी तो मैं शिप की जगह मैं सिप बोलूंगी. तो यहाँ पर शिप का मतलब होता है नाव और यहाँ पर सिप का मतलब होता है घूर. तो प्रोनाउंसिएशन सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन या हमारा उच्चार सही नहीं है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मदर टंग एलिमिनेशन. तो हम इंग्लिश में मेरे सारे सेशंस में मदर टंग एलिमिनेशन के सेशन में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू फ्यू एक्सरसाइजेस. द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेंटेंस ट्रांसलेशन. अब सेंटेंस ट्रांसलेशन में यहां पर हम वाक्य कैसे बनाएंगे ठीक है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंटेंस ट्रांसलेशन क्यों है? बिकॉज हमने पहले देखा ग्रामर हमने सीख लिया है फिर हमने वोकैबुलरी शब्दों का ज्ञान भी हमें आ गया है हमें उच्चार करना भी आ गया है. तो अब हम क्या करेंगे? सेंटेंस को बनाएंगे.
कौन सा ग्रामर कहां पर यूज करेंगे, कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड हम कहां यूज करेंगे और हम सेंटेंस बना पाएंगे, सही वाक्य बना पाएंगे. द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कन्वर्सेशनल टॉपिक. नाउ व्हाट इज कन्वर्सेशनल टॉपिक. अब हमें ये सारी चीजें तो आ गई, हमें सेंटेंस बनाना भी आ गया, हमें ग्रामर भी आ गया. अब यहाँ पर होती है बातचीत, ठीक है, एक फ्लुएंसी लेवल. जैसे जिस तरह से हम हिंदी में कन्वर्स कर पाते हैं, हम बातचीत कर पाते हैं, वैसे ही हमें इंग्लिश में भी बातचीत करना आना चाहिए, ठीक है. तो वो उसके अलग अलग एक्सरसाइजेस मैं आपको दूंगी अपने सेशंस में, और टॉपिक्स हम कवर करेंगे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या बात होती है, या वेंडर्स के वहां पर जब हम जाएंगे तो हम क्या बात करेंगे, इस तरह से अलग अलग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे अपने सेशंस में. After every session, we'll have a daily homework. इससे क्या होगा कि आपका अगर by chance आपने वीडियो में कोई भी चीज मिस कर दिया है, ठीक है, या आपको कोई ध्यान नहीं रहा, ठीक है, तो आप होमवर्क के द्वारा आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैंने आज क्लास में क्या सीखा है मेरे सेशन में, और उसका आप रिविजन भी एक तरह से हो जाएगा आपका. So these all things we will be covering in my all sessions. After every session, one topic will be covered. So after covering all this topic, आप learn कर पाओगे, आप सीख पाओगे English, आप बोल पाओगे जब तक कि ये session end होगा, ठीक है. Now I'm sure that my every session is going to be very fruitful and learning for you. To learning my sessions and to watch my session, please like, subscribe and share my video. For today, bye.